ये आप दर्शन करेंगे कानपुर के आनंदेश्वर महादेव, जिसे छोटा काशी भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सावन महीने में खुद महादेव यहाँ पर दर्शन देने के लिए आते हैं। यहाँ पे आप गंगा किनारे पे, ये है, गंगा में डुबकी भी लगा सकते हैं और यहाँ पे दर्शन भी कर सकते हैं। महाभारत के समय का ये शिवलिंग है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जैसे ही दर्शन चालू होंगे, पूरा श्रृंगार होने के बाद में फिर से शिवलिंग को नहलाया जाएगा, वो भी देखिएगा। और उसके बाद जब आरती होगी वहाँ तक देखिएगा, बीच में काट बंद दीजिएगा। श्रृंगार होने के बाद में बीच में एक बार फिर से शिवलिंग को धुलाया जाएगा, उसके बाद में आरती देखना मत भूलिएगा। और यहाँ पे एक गाय थी जो आके एक जगह पर दूध उसका छोड़ के जाया करती थी, अपना दूध वहीं पे उसका निकल जाता था। तो बाद में जब ग्वालों ने आके देखा कि गाय कहाँ पे दूध छोड़ के आ जाती, उसका दूध नहीं निकलता। Namah Shivaya.
आप दर्शन कर रहे हैं कानपुर के जगन्नाथ मंदिर के, ये लगभग कानपुर से 34 किलोमीटर दूर भीतर गांव है। भीतर गांव से भी आपको 3 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा। यहाँ पे साइंटिस्ट भी आके परेशान हो चुके हैं, यहाँ पे बारिश होने से पहले मंदिर की छत जो है वो गीली हो जाती है, और कितनी गीली होती है उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी बारिश होगी। और जैसे ही बारिश चालू होती है तो मंदिर की छत जो है वो सूख जाती है, और बड़े बड़े साइंटिस्ट भी यहाँ पे आके परेशान हो चुके हैं। अभी तक उनको समझ में नहीं आया है। और यहाँ पे जगन्नाथ जी की मूर्ति लकड़ी की नहीं है, यहाँ पे मूर्ति के रूप में ही उनकी पूजा की जाती है। आगे की कथा जो है वो महाराज आपको सुनाएंगे, और ये संरक्षण इसकी ये मंदिर का गवर्नमेंट कर रही है। ये भारत का इकलौता मंदिर मानसून का है, और दूसरी या तीसरी जगन्नाथपुरी है, और ये जितने भी इसके ऊपर पत्थर के काम है या चित्रकला बनी है, ये स्टेज भगवान का, ये 4200 बरस का है। और ये जो मंदिर है जीर्णोद्धार है, जब जीर्णोद्धार हुआ इसका तो इसकी उम्र हो गई 1883 साल। ये इसका इतिहास है। और ये हैं कानपुर के पंकी हनुमान जी, 15 किलोमीटर दूर हैं कानपुर से, और पंकी का खुद का भी एक रेलवे स्टेशन है जो आप कानपुर से जा सकते हैं लोकल ट्रेन से। 400 साल पुराना मंदिर है। यहाँ के महंत जी को जब वो चित्रकूट से लौट रहे थे तो एक चट्टान पे बैठे हुए हनुमान जी दिखे, और तभी से उनका यहाँ पे एक पहाड़ी पे मंदिर बनाया गया। अभी तो ये सिटी में आ गया है, अभी ये पहाड़ पे नहीं है, लेकिन उनको दर्शन जो हुए थे पहाड़ पे बैठे हुए हनुमान जी के हुए थे, और जिस रूप में दर्शन हुए थे उसी रूप में ये मंदिर बनाया गया है। तो जब भी आप कानपुर जाए तो यहाँ पे दर्शन के लिए अवश्य जाएं। इसके अलावा आगे आप देखेंगे जेके मंदिर जो राधा कृष्ण जी का मंदिर है, उसके भी दर्शन करिएगा इसके आगे।